अच्छा बाबूजी, सर्वप्रथम कुछ ना कहने के पहले मैं गायक अशोक कुमार यादव कौड़ियार बाजार थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज इस अलदाबाद की धरती को नमन करता हूँ और इस राम सेवक म्यूजिक के बैनर तले आप परम सद्देव राजीव यादव जी की देखरेख में, जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे पूज्य गुरु जी भगवान को प्यारे हो गए बाबूजी, जो बिरहा के बादशाह कहे जाते थे, मैं गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरी पार्टी के साथ भगवान से आराधना करता हूँ कि स्वर्ग में उनको उच्च स्थान मिले। मैं उनकी श्रद्धांजलि गीत गाने चल रहा हूँ। पूज्य श्रोताओं से प्रार्थना है कि गाने में कहीं त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करेंगे। हमार आशा और पूर्व विश्वास है गीत को पसंद करके बाबूजी हमें प्यार और दुलार देंगे। गीत के शुरुआत में हमारे कवि पपीहा जी चार लाइन कवि भाव में भूमिका दी है, कैसे मास्टर साहब? कि कब कब कहां किस जगह मौत खुद चल पड़े, इसके चलने का होता ठिकाना नहीं, खुद खुदा हो के खुददार खुद जानता, ए है माया नगर कोई जाना नहीं। गुरु जगत में थे ज्ञानी गुरु राम सिंह, अरे इज्जत मर्यादा करता था अब का जमाना, अरे लिखत लिखते पपीहा सिसकती कलम, काल बन काल आई मौत ले बहाना। देखें बाबूजी, मौत कब और कहां आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। मौत किसी से सोर्स नहीं लगाती है, ना किसी से रिश्वत लेती है बाबूजी। गीत के शुरुआत में हमारे पपीहा एक कव्वाली का टुकड़ा बजा रहे हैं और इस गीत को किसी जमाने में स्वर्गीय हैदर अली जी गाते थे, कैसे मास्टर साहब? कुछ हमें सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, सब कुछ हमें वाली का टुकड़ा रहल बाबूजी, लेकिन कवि का क्या कहना है? अरे मानो की जिंदगी, मानो की जिंदगी ये किराए कहो महल, मानो की जिंदगी है।
पर जले जैसे एक मोम है, कागज की नौका पर जले जैसे। मानव की जिंदगी बाबूजी एक किराए का घर होती है, होम माने घर। जिस तरह ये किराए का घर है, मालिक कब आ जाए इस मकान को खाली करवा ले बाबूजी, इसको कोई नहीं बता सकता। उसी तरह ये मानव की जिंदगी है। इस संसार में जो आया है एक न एक दिन उसको जाना है बाबूजी। चाहे राजा हो, रंक हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े बलशाली महारथी योद्धा आए और इस संसार को छोड़कर चले गए। एक लाइन नजम की लाइन में कहना है मास्टर साहब, स्वर्ग धाम गए, बजावत बीड़ा नारद बाब परम धाम गए। जिस दिन प्रभु का परवाना घर में आएगा, जिस दिन प्रभु का परवाना घर में आएगा, करो कितनो उपाय लेके घर से जाएगा। वैसन राम सिंह, वैसन राम सिंह गुरु पे विपत आई है, बीमारी बन के मौत सैया को सजाई है। पिता थे राम जतन, पिता थे राम जतन लखू माँ खास रही, पहले ही स्वर्ग में करते बाबू निवास रही। इस संसार में जो आया है बाबूजी एक ना एक दिन सबको जाना है। उसी तरह बाबूजी हमारे गुरु राम सिंह पर यह मौत बीमारी बनकर आई और सब कुछ लूट कर चली गई बाबूजी। इनके पिता माननीय श्री स्वर्गीय राम जतन यादव और माँ लक्खू देवी पहले ही स्वर्ग में स्थान ले चुकी हैं बाबूजी। परम श्रद्धेय गुरुजी हमारे पांच भाई और स्वयं को मिलाकर छह भाई थे। बड़े भाई आप माननीय श्री अमरनाथ यादव, उसके बाद हमारे गुरुजी श्री राम सिंह यादव, तीसरे भाई जबर सिंह और अमर सिंह, बच्चा भाई उर्फ दशरथ और सबसे छोटे बंधु मान सिंह यादव बाबूजी। हमारे गुरुजी की जन्म तिथि 10/1/1962 बतलाई गई है। छो भाई में बड़ा ही प्रेम दुलार और प्यार था बाबूजी। जीवन की नैया ऐसे चल रही थी लेकिन समय किसी को बख्शा नहीं है बाबू। समय कब कहां किसको पहुंचा दे ये कोई नहीं बता सकता। एक लाइन तर्ज कर दो ने पड़ा हमारे कवि पपीहा जी, देखें एक तर्ज बजा रहे कैसे मास्टर साहब। जमाने में स्वर्गीय रामदेव चच्चा गाते थे अपने जवानी में, कि अपने बलमुआ के चोरी, अरे अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे गुना गुना, आई अपने जनाब स्वर्गीय हैदर जी गाते थे, कि गहुआ के बाल लईगा सुगना,
गेहुआ के बाल लैगा सुगना बलमा बिना पूरी के तरसें गहुआ हमारे विरह के स्टार गायक स्वर्गीय लाल जी लहरी जी गाते थे कि बलमा कया जबा पढ़ाई हमार कान पासा बिकाईगा। और यही गीत के हमारे स्वर्गीय राम कैलाश दादा जी गावे बहुत लहाई के गाते थे कि चला चली गंगा नहाई हो घोड़ैया हम लैला राजा। लेकिन हमारे गुरु स्वर्गीय राम सिंह यादव जी कैसे गाते थे कि नींबू नौ रंग नाशपाती अरे नींबू नौ रंग नाशपाती बलमा बदमाशी में फसी गे जलहा। लेकिन भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब समय किसी को बख्शा नहीं है, समय हंसाती और रुलाती दोनों है। कहना है कि विपत बन के अवली समैया अरे विपत बन के अवली समैया समैया हंसावे रुलावे राजा परीक्षित को समय नहीं छोड़ा राजा हरिश्चंद दानी के समय मार छोड़ा हरिश्चंद तक्षक बना डसवैया तक्षक बना डसवैया समैया हंसावे रुलाव तक्षक समय राजा परीक्षित को भी नहीं छोड़ा बाबूजी ने। यही कलयुग सर्प बन के तक्षक सर्प बनकर राजा परीक्षित को डस लिया और इतने बड़े राजा होते हुए भी इस संसार को छोड़कर चले गए बाबूजी। और समय ने बाबूजी राजा हरिश्चंद्र को भी वो कोड़ा मारा है। जब तीनों प्राणी काशी जी में बिक जाते हैं बाबूजी, डोम के यहाँ पत्नी पानी भरती है और पानी भरती है और बेटा रोहित फुलवारी की देख रेख में ड्यूटी करने लगा और राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी बाबूजी मरघट पे लाश जलाने के में लग गई। एक दिन रोहित को सर्प ने काट लिया और पत्नी बाबूजी अपने बेटे की लाश को लेकर मरघट पे पहुंची कर देने के लिए। अपने पति को बाबूजी जेब में कुछ नहीं है, देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की हमारे बेटे की लाश हमारी पत्नी लेकर आई है बाबूजी, उनसे भी कर मांग रहे हैं।
पत्नी के पास कुछ नहीं है, वही अपनी आधी साड़ी फाड़ कर कर के रूप में अपने पति को दिया बाबूजी। तब जाकर राजा हरिश्चंद बेटे की लाश जलाए हैं। अपने सत्य को नहीं छोड़ा, फिर भी राजा हरिश्चंद को समय ने नहीं बख्शा। उसी तरह हमारे गुरु राम सिंह पर भी बाबूजी विपत आई। कैसे कि गुरु राम सिंह को समैया बढ़ावा ले, गुरु राम सिंह को जीवन की नैया राम से चलवा ले, जीवन गईले अच्छा गवैया समैया हंसावे रुलावे, बन गई बाबूजी हमारे गुरु जो घर से बेघर हो गए तो समय ने उनको वापस किया। और एक ऐसे गुरु से मुलाकात हुई जो दादा पंधारी के नाम से मशहूर, आप कल्लू यादव मूसेपुर की धरती से, जिन्होंने गुरुजी को खोया का धंधा सिखाया और एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। गुरुजी ने मेहनत और लगन से परिश्रम करके बाबूजी यही दासापुर की सरजमी पर बच्चा भाई बीडीसी के बगल में मकान बनवा कर रहने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे सन 2004 11 अप्रैल वह दिन आया जिसमें बाबूजी उनकी धर्म पत्नी कांति देवी का स्वर्गवास हो जाता है। अचानक दुर्घटना में मौत हो गई, जिन्होंने अपने दो बेटे कमल और विमल, एक बेटी कविता को छोड़कर बाबूजी संसार को सदा के लिए चली गईं। समय ऐसे बीतता गया। एक लाइन तर्ज है मार साहेब कि बढ़ी ख्याति धीरे धीरे, बढ़ी ख्याति धीरे धीरे, गायकों में नाम बढ़ाया है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में गुरु जी ने बिरहा गाया, शिष्यों में शिष्य तो बहुत बने पर अवगल बच्चा लाल रहे, दूसरे शिष्य की कड़ी में एक यादव जो कंचन लाल रहे, जंग बली ग्वाला अशोक अरे शोक नहीं कभी लाए हैं, राम सिंह गुरुवर बनले चेले अवगल कहलाए हैं। बाबूजी पत्नी कांति देवी के गुजर जाने के 17-18 साल बीत गया। इसी बीच में गुरुजी ने अपने बिरहा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम कमाया और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में बिरहा गाया, जैसे बनारस से मंगल कवि, हमारे इलाहाबाद की धरती से आप माननीय श्री स्वर्गीय लाल जी लहरी, दादा राम कैलाश, राधे श्याम और रामपाल झाखर, हफीज चंचल जैसे महारथी के साथ बिरहा गए और बिरहा क्षेत्र में अपना नाम बढ़ाया बाबूजी। इनके बहुत शिष्य भी हुए, जैसे हमारे बच्चा लाल भाई महम्मदपुर की सरजमी से और कंचन लाल यादव गोरापुर कमला नगर, हमारे जंगली भाई भरेस्ता सिकंदरा बहरिया और राजेश कुमार ग्वाला तरौल प्रतापगढ़, इनके बहुत शिष्य हुए बाबूजी। समय बीतता गया। साल डेढ़ साल से बाबूजी गुरुजी की तबीयत खराब चल रही थी, उनको हार्ट की शिकायत थी। बाबूजी एक दिन अचानक होता क्या है विदेशिया के भाव में कि दिनावा गिनाता मोरी
अचानक बीमार भइले अरे करे सब दवाइया हो लेकिन आराम नहीं होवेला बीरनावा भोला भाई बच्चा भैया लैके हंस पीटल गईले सथवा में रहले बिमल छोट काल ललनवा एक दिन अचानक गुरुजी की तबीयत खराब हो जाती है और बच्चा भाई भोला भाई को जिस समय खबर मिलती है बाबूजी तुरंत गुरुजी को लिवाकर कौड़ियार लक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर साहब जब गुरुजी से हाल चाल जाना तो गुरुजी ने बताया डॉक्टर साहब हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है नहीं इसलिए इनको आप जितनी जल्दी हो सके प्राची हॉस्पिटल ले जाइए। तुरंत बेटा बिमल भोला भाई और बच्चा भैया गुरुजी को लिवाकर प्राची हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि हॉस्पिटल जवाब दिहलन अरे दूसर तीसर चौथी गईला सरस्वती हाट गईले कमल ललनवा गंगा जल उठाए कमल अरे मुहावा में डाले जैसे अरे छोड़ी के पिंजड़ा भागा पापी रे सुगनवा बाबूजी सभी लोग कौड़ियार से प्राची हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर बड़े बेटे कमल और भांजे मोनू भी आ जाते हैं। सभी लोग गुरुजी को डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, मैं इनको ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की व्यवस्था आप लोगों को दे दे रहा हूं, आप तुरंत लक्ष्मी तुरंत सरस्वती हार्ट केयर सिविल लाइन जाइए। गुरुजी को तुरंत बाबूजी एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, बैठा कर सभी लोग तुरंत सरस्वती हार्ट केयर सिविल लाइन जिसमें पहुंचते हैं। डॉक्टर राजीव अग्रवाल की देखरेख में दवा होने लगी बाबूजी। अभी 15 से 20 मिनट बीता है कि अचानक गुरुजी को प्यास लगी और अपने बड़े बेटे कमल से पानी मांगते हैं। बड़ा बेटा बाबूजी ज्यों ही इस प्रयागराज का गंगा जल गुरु जी के मुंह में डालते हैं, होता क्या है अचानक हार्ट आ गया और गुरु जी की सांसें बाबूजी हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। सभी लोग अवाक रह गए। दोनों बेटे बाबूजी वहीं गुरु जी के बेड पर गुरु जी के ऊपर माथ रख कर रोने लगे। एक लाइन तर्ज है मास्टर, कैसे दोनों बेटे रो रहे हैं बाबूजी। कवि पतिहा जी कितनी सुंदर लाइन, बहुत ही पुराण फिल्म राजा और रंक से। किसी जमाने में स्वर्गीय जनाब हैदर अली जी किसी कैसेट में गाए हैं कि माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे ये तो गीत का भाव रहा, लेकिन कवि जी कितनी सुंदर लाइन में देखें
दोनों बेटे बाबूजी कैसे रो रहे हैं अपने पापा के ऊपर, वही अस्पताल में बेड पे जो गुरुजी लेटे हैं, कैसे रो रहे हैं मां साहब। रो रहे दुलारा हो कहाँ खड़ा, कच्चा अभी घड़ा, बता दो पापा जाए कहाँ। रो रहे में खिलाया, होने लगे बड़ा, कच्चा अभी घड़ा, बता दो पापा जाए कहाँ। गोद में बेटों को बाबूजी सभी लोग संभाल कर और गुरुजी को उठाकर एम्बुलेंस में रख कर घर की ओर चल दिए। तो यहां कवि ने एक तर्ज दिया है, कैसे। गीत का लाइन है मार साहब, किरतिया बालमुआ दिहुए गारी तरकारी पीना, रतिया बालमुआ दिहले तरकारी बिना। ये तो गीत का भाव रहा बाबूजी, लेकिन सभी लोग गुरु जी को उठाकर एम्बुलेंस में रखकर घर की ओर रवाना हो गए। कि घरवा की रहिया तब सीधाई बीरनवा दुनहू, घरवा की एम्बुलेंस अवली जब की दासपुर भवानावा हो, एम्बुलेंस रही रही बरसत पानी सबके नया नावा हो, एम्बुलेंस बाबूजी दासापुर गांव दरवाजे पर पहुंचती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कि द्वारा पे भिड़िया ना समाई बीरनवा दुनहू, द्वारा पे भिड़िया ना सभी नात और रिश्तेदार के यहाँ फोन के द्वारा बाबूजी खबर दी जाती है,
जितने भी रिश्तेदार गांव देश के सभी लोग दरवाजे पे इकट्ठे हो जाते हैं बाबूजी। लोगों का ताता बाबूजी गुरुजी को देखने के लिए दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। इसी बीच में कि नात बात यवले घरवा घरवा गवैया हो, नात बात के भाई भाई बीर नमा दुनू बच्चा रो भाई भाई। आज दरवाजे इतनी भीड़ देखकर और हमारे गुरुजी की लाश को देखकर छोटे भाई बच्चा भाई दशरथ रो रहे हैं बाबूजी। कैसे रो रहे हैं, भाव बदल गए मार साहब। कि राधा जी के कुंवरा कंधैया, अरे राधा जी के कुंवरा कंधैया बोलावे लन बसुरिया बजाई के, राधा जी तो भाव रहा। लेकिन आज बच्चा भाई अपने भाई की लाश को देखकर रो रहे हैं बाबूजी, मालिक ये कहां से कहां हमको पहुंचा दिए। कि बच्चा रो वही कहीं के भैया भैया, बच्चा रो वही कहीं के भैया 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 तू कहां हमका भुलाया, बच्चा रो लक्ष्मण जी रहले राम अरे भाई वाला रिश्ता बच्चा भैया निभावाले भाई कहाँ पहुँचवले समैया भैया तू कहाँ हमके भुलाया जा। आज भाई को लाश देखकर बाबूजी बच्चा भाई रो रहे हैं, जैसे प्रभु राम कभी लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लगा था बाबूजी, उसी तरह आज बच्चा भाई रो रहे हैं। बच्चा भाई आज भाई का रिश्ता निभा दिया बाबूजी, जैसे कभी प्रभु राम के साथ लक्ष्मण जी थे, उसी तरह बच्चा भाई भी उस लक्ष्मण भाई जैसे अपने भाई के रिश्ता को निभाया है बाबूजी। कह रहे हैं ये समय हमको कहां से कहां पहुंचा दिया मालिक। और ये मूर्ति जो हमारे सामने बैठे हैं बाबा जी राम किशोर यादव बाबू जी, गुरु जी इनको हरदम सुदामा कहकर पुकारते थे। कि बाबा जी को गुरुवर जी कहते सुदामा, बाबा जी को सूरजन को दिए एक जामा, पवन भोला रो वही जैसे बाली भैया, भोला रो वही जैसे बाली भैया भैया तू कहाँ हमका भुलाया, भोला रो I'm gonna make it right।
यही बाबा जी को गुरुजी हमारे बाबूजी हरदम सुदामा कहकर पुकारते थे। चाहे जहाँ कार्यक्रम होता था बिना बाबा जी को लिवाकर कहीं नहीं जाते थे। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी बाबूजी, वैसे नान्हे से एकदम छोटेपन से हमारे गुरुजी और बाबा जी की दोस्ती थी। आज सुरजन भाई मौसिया जो हमारे गुरुजी के साथ में रहते हैं, उनको गुरुजी क्या कहते थे, जैसे प्रभु राम के साथ बजरंग बली रह कहते थे, वही पद हमारे सुरजन मौसिया पाए हैं बाबूजी। जहां बात आ जाए सीना फाड़ के प्रभु राम को अंदर दिखाने की, वहां सुरजन हरदम तैयार थे बाबूजी सीना फाड़ के गुरुजी को दिखाने में, और जहां बात आ जाए गदा उठाने की, वहां सुरजन भैया हरदम गदा उठा लेते थे बाबूजी। और भोला भाई पान वाले हमारे गुरुजी के साथ में, जैसे रामा दल में सुग्रीव का काम था बाबूजी, सुग्रीव का पूरा काम देखभाल का था, उसी तरह हमारे भोला भाई लेखा जोखा पूरा हमारे गुरुजी के यही करते थे। वो भी रो रहे हैं बाबूजी जैसे बाली भाई सुग्रीव रो रहे थे। अब धीरे धीरे बाबूजी रात हो गई, सुबह की बेला हो गई, अर्थी को सजाया जाने लगा। अर्थी को देखकर बाबूजी आज कमल और विमल की मौसी और नानी बेटी कविता कशिश सभी रो रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य कैसे रो रहे हैं मार साहब, ये तर्ज हमारे गुरुजी अक्सर गाया करते थे। लेकिन सभी लोग परिवार के सभी सदस्य माताएं और बहनें नानी मौसी बेटी कविता कशिश कैसे रो रही है बाबूजी। अरे भीगल जालना ये चरवा, भीगल जालना रे ये चरवा, अरे भीगल जालना बाबूजी। कि हाथ पीट के मौसी रोवे नानिया सबहाई हो रामा, नानिया सबहाई चरवा भीगल जालाना, कि हम का छोड़ ले तू करे सहारा, चर भीगल जालाना तू हम का
अर्थी को सजाया गया बाबूजी, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और कैसे उठाए गई अर्थी को बाबूजी, टेरी के भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब। अरे जनाजा जब की द्वारे से चला, जनाजा अरे रोए यमनी अंबर बजा गमो का बाजा, जनाजा जब की द्वारे से चला। लोगों का जन सैलाब बाबूजी अर्थी को लेकर आज कुरेसर घाट की ओर रवाना हो गया। क्या बात है, जिस समय कुरेसर घाट पर पहुंचते हैं पापड़ का भाव देना पड़ा माठ। अरे सजा जनाजा बाजा, कहे सजा जनाजा बाजा, आज बजनवा देखा घाटे पर, और रही रही बरसे सब ही का नयनवा देखा घाटे पर। लोगों का जन सैलाब कुरेसर घाट की ओर चल दिया बाबूजी, सभी के आंखों में आंसू छलक रहे हैं। आज एक बेटा ने अपना पिता खो दिया तो एक नारी ने अपना सिंदूर गंवा दिया, एक भाई ने अपना भाई खो दिया तो एक शिष्य ने अपना गुरु खोया है बाबूजी। कि रोवै घरे भाई भौजाई नात और बात हो, दिनवा बीतल कैसो बीत नहीं रात हो। अरे छुटल संधूर अब छुट जाला, कहे छुटल संधूर अब छुट जाला, रंगनवा देखा घाटे पर, और रही रही बरसे सब ही का नयनवा देखा घाटे पर। सभी के आंखों में आंसू हैं बाबूजी, देखे गाना करीब है, एक लाइन आल्हा का भाव देना पड़ा मास्टर साहब। कवन हो रजनवा जवन जोगी बानी गईले बाबू, कवन हो हमारे कभी पपीहा की लेखनी है बाबूजी, कौन सा राजा जोगी हो गईले और कौन राजा अपने बेटा को आरा से फार दिया, जवाब में क्या है। भरथरी रजनवा देखा जोगी बानी गईले बाबू, ये
तो भाव रहा, लेकिन हमारे पपीहा जी कितनी सुंदर लाइन देखे हमारे गुरु जी के लिए लिखे हैं। पहुँचे कुरेसर घाटे गंगा के किनारवा बाबू, पहुँचे फुलावा चढ़ावा केहू चंदन लगावे भैया, फुलावा केहू केहू रोवे गुर के चेहरा हो निहार, जिस समय कुरेसर घाट पर बाबूजी गुरुजी को लेकर पहुंचते हैं, हार फूल इतना फूल और हार गंजा है बाबूजी, कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई चंदन लगा रहा है, और कितने गाने और बजाने वाले सभी लोग एकत्रित हैं बाबूजी, सभी लोग आरती को देखकर रो रहे हैं कि कितने गवैया साथ रहलन बाजवैया भैया, कितने गवैया अमरनाथ भाई जाबर सिंह तब रोवे लागे, अमरनाथ हाय मोर भैया जब ना होई है हो दीदार, भाई अमरनाथ और जबर सिंह बाबूजी रो रहे हैं कि ये भाई अब आप हमारा आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी भैया, इस संसार में भाई अगर चला गया तो एक भाई से मुलाकात नहीं होगी। आखिरी में कि राम नाम सत्य वाला, अरे राम नाम सत्य वाला होला जयकारा, कि धरती माँ के गोदिया में दी है सबके उदार, धरती माँ के सभी लोग धरती माँ के आंचल में गुरु जी को सौंप कर अपने अपने घर को चल दिए। आखिरी में दादा पंधारी के भाव में खड़ी में कहना है मास्टर साहब, बतौले नाही गैले हैं रोवाई के, ऐसे ज्ञानी महापुरुष
गुरु से अब मुलाकात नहीं हो पाएगी बाबूजी। ज्ञान की थाली हम सबको देकर बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दुनिया में सब कुछ झूठा है लेकिन बाबूजी मौत ही सत्य है। कि सब कुछ झूठा बाटे और झूठी ना मौतिया, चुप कैसे बन के अवली सबके सबतिया। अरे बिरह जगत में गईले नमवा कमाई के, केहू से बतवले नहीं गईले हरवाई के, केहू से जगत में बाबूजी सब कुछ झूठा है लेकिन मौत ही ऐसी सत्य है जो एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर सभी को जाना पड़ेगा। ऐसे महान गुरु के चरणों में बार बार नमन हो। हमारा और गुरु जी का रिश्ता बाबूजी एक गुरु और शिष्य के अलावा एक बाप बेटे का भी था बाबूजी। ऐसे महान गुरु के चरणों में एक बार नहीं हजारों बार नमन हो। सभी को बाबूजी ऐसे ऐसे गुरु मिले हमारे यही सभी से कामना है। आखिरी में कहना है धन धन गुरु राम सिंह स्वर्ग गए बुदुल पंधारी। जनाजा जब की द्वारे से चला, अरे सत सत नमन गुरु जी बने स्वर्ग में राजा। जनाजा जब की द्वारे से चला, जे के हुआई जग से जाना